एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लिली नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे हमेशा से ही डांस करने का शौक था और वह स्कूल के डांस ग्रुप में शामिल होने का सपना देखती थी। लिली ने अपनी डांस स्टेप को पूरा करने में घंटों बिताए थे और उस दिन का बेसब्री से ऑडिशन का इंतजार कर रही थी। जब ऑडिशन का दिन आया, लिली उत्साह से भर गई। उसने आखिरी बार अपनी दिनचर्या का अभ्यास किया और आशा से भरे दिल के साथ स्कूल पहुंची। हालांकि जैसे ही परिणाम घोषित किए गए, लिली का नाम सूची में नहीं था। वह बहुत निराश हो गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। अपने दोस्तों के साथ नाचने और अपनी प्रतिभा दिखाने का उसका सपना टूट गया। दिन हफ्तों में बदल गए और लिली के लिए अपनी निराशा से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। वह निराश हो गई और उदास महसूस करने लगी, मानो उसके ऊपर एक काला बादल छा गया हो। कभी उसकी आंखों में चमकने वाली चिंगारी फीकी पड़ गई थी। एक दिन पास के एक पार्क में टहलते हुए लिली ने एक मोर को अपने चमकीले पंख फैलाते हुए और बड़ी शान से नाचते हुए देखा। नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था और लिली मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह मोर की स्वतंत्रता और खुशी से मोहित हो गई थी, जो उसके सुंदर पंखों के माध्यम से व्यक्त की गई थी। लिली ने महसूस किया कि भले ही उसे डांस ग्रुप के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन डांस के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। मोर के नृत्य से प्रेरित होकर उसने अपने भीतर प्रेरणा की एक लहर महसूस की। उसने निश्चय किया कि अब वह निराशा को अपने पास नहीं आने देगी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ लिली ने नृत्य के अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मन बना लिया। भले ही असफलता मिले, लेकिन वह कभी निराश होकर हार नहीं मानेगी। लिली प्रतिदिन लगन से नृत्य का अभ्यास करने लगी। उसने वीडियो देखे, नई तकनीकें सीखी और अपने हुनर को निखारने के लिए जी जान लगा दी। वह खुद को एक भव्य मंच पर कल्पना करने लगी और सोचने लगी, एक दिन वह आत्मविश्वास और खुशी के साथ नाच रही होगी। धीरे धीरे उसका दुख दूर होने लगा। उद्देश्य और खुशी की भावना ने उसे बदल दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, लिली का समर्पण और कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। वह न केवल एक अच्छी नर्तकी बनी, बल्कि कला के रूप की गहरी समझ भी प्राप्त की। उसकी आकर्षक हरकतों और ऊर्जा ने उसके सहपाठियों और शिक्षकों का ध्यान समान रूप से खींचा। एक दिन लिली को स्कूल के डांस ग्रुप को एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का निमंत्रण मिला। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए आयोजकों ने एक अतिरिक्त कलाकार के लिए एक स्थान भी आरक्षित कर दिया था। लिली के सहपाठियों उसकी प्रतिभा और विकास के बारे में जानते हुए जोर देकर कहा कि लिली को एक अवसर दिया जाए। जब लिली ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई। निराशा से आत्मखोज तक की उनकी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन इसने उन्हें और मजबूत बना दिया। लिली ने आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा। उसका दिल उस मोर के लिए कृतज्ञता से भर गया, जिसने अनजाने में उसे प्रेरित किया था। जैसे ही उसने नृत्य किया, लिली का प्रदर्शन जुनून, ग्रेस और आनंद के अनूठे मिश्रण से भर गया। दर्शक उसकी प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर गया। लिली एक छोटी लड़की से बदल गई थी, जिसके सपने एक चमकते सितारे में कुचल दिए गए थे और फिर जिसने नृत्य के माध्यम से अपनी आवाज पाई थी। उस दिन से लिली ने नृत्य के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। वह स्कूल के डांस ग्रुप में शामिल हो गई और अपनी दृढ़ता की कहानी से दूसरों को प्रेरित किया। लिली की यात्रा ने उन्हें कभी हार न मानने और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी प्रेरणा पाने का महत्व सिखाया। और जब भी वह उदास महसूस करती, तो उसे अपने पंखों को फैलाए हुए मोर के खूबसूरत नजारे की याद आती और उसके सारे दुख गायब हो जाते और उसकी जगह नृत्य का जादू आ जाता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।